Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question number 11. The side AB of a parallelogram ABCD is produced to any point P. एक हमारे पास parallelogram है A, B, C, D, ठीक है? उसकी side जो है AB, उसको P तक produce किया गया है. Align through A and parallel to CP. A से जाती हुई एक line और जो कि CP के parallel है, meets CB produced at Q. वो Q को meet करती है. And then parallelogram PBQR is completed. और इससे जो parallelogram है PBQR ये complete हो जाता है. आपको show करना है कि ABCD parallelogram का area PBQR parallelogram के equal है. ठीक है? So for that, हमें एक construction करनी पड़ेगी. वो construction होगी, join AC and PQ. हमारे पास जो AC है, उसको join करना है, और PQ को join करना है. ठीक है? तो ये रिजल्टेंट फिगर आ जाएगी हमारे पास. अब प्रूव हम करना चाह रहे हैं, टू प्रूव एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ PBQR. ये दोनों एरियाज इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है. अगर हम इसका प्रूफ स्टार्ट करें तो सबसे पहले अगर हम इस फिगर में देखें तो ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है, ए सी उसका डायगनल बनाया है हमने अभी अभी, पी बी क्यू आर जो पैरेललोग्राम है, पी क्यू उसका डायगनल बनाया है अभी अभी. सो लेट अस राइट दिस. सिंस ए सी एंड पी क्यू आर डायगनल्स ऑफ ए बी सी डी एंड पी बी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, ये दोनों डायगनल्स है दोनों पैरेललोग्राम्स के. अब जब भी कोई दो डायगनल्स होते हैं हमारे पास, वो एक पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं. सो इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ एबीसी, अगर मैं एक ट्रायंगल देखूं, फर्स्ट वाले में इसका और इसका एरिया इक्वल है, सेकेंड वाले में इसका और इसका एरिया इक्वल है, तो हमने एबीसी की टर्म्स में इसको लिखा एबीसीडी को, और पीबीक्यू की टर्म्स में हमने पीबीक्यूआर को लिखा. कैसे? एरिया ऑफ एबीसी हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी, और एरिया ऑफ पीबीक्यू हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पीबीक्यूआर. फाइन, इसे हमने इक्वेशन वन और इसे इक्वेशन नंबर टू मान लिया. अब जो दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, इन ट्रायंगल्स ए सी क्यू एंड ए क्यू पी, ए सी क्यू ये ट्रायंगल एंड ए क्यू पी, ये ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल्स सेम बेस पर हैं. दे आर ऑन सेम बेस ए क्यू एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स AQ and CP, क्योंकि ये दोनों सेम बेस पर और सेम पैरेलल के बीच में हैं, तो इसकी वजह से दोनों के जो एरियाज हैं, ACQ का एरिया और AQP का एरिया, दोनों के एरियाज सेम हो जाएंगे. अब अगर मैं दोनों में से
एरिया ऑफ एबी क्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं? ठीक है, तो एसी क्यू में से जब हमने एबी क्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास एबीसी बच गया, और ए क्यू पी में से जब एबी क्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास पीबीक्यू बच गया। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो हमने यूज की थी उसमें एरिया ऑफ एबीसी हाफ एरिया ऑफ एबीसीडी के इक्वल था, और एरिया ऑफ पीबीक्यू हाफ एरिया ऑफ पीबीक्यूआर के इक्वल था। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और हमारे पास पीछे बच गया एरिया ऑफ एबीसीडी विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ पीबीक्यूआर, और यही हमें प्रूव करना था।